अभी हम लोग बटरफ्लाई यानी तितली बनाने जा रहे हैं। अभी इसके लिए मैंने स्क्वायर पेपर ले लिया है। ये स्क्वायर पेपर जो है 12 सेंटीमीटर लेंथ, 12 सेंटीमीटर ब्रेथ। वैसे भी स्क्वायर का हर साइड बराबर रहता है, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, इसमें साइड बोलते हैं, रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेथ बोलते हैं। चलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। ये स्क्वायर पेपर को हम ऐसे यहाँ से फोल्ड करेंगे ट्रायंगल डायगोनली, फिर यहाँ से एक और फोल्ड करेंगे। ये कॉर्नर को बराबर करेंगे। ओरिगेमी में ये कॉर्नर जो है हमेशा बराबर होना चाहिए। ये बहुत ही इजी है और एकदम 2-3 मिनट में ही ये बटरफ्लाई आपका बनके तैयार हो जाएगा, वो भी 3D बटरफ्लाई। बन गया। अभी ये दोनों ट्रायंगल ओवरलैप हो गए। यहाँ तक स्टेप मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है। फिर अभी इसको यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अभी ये जिधर से ये ओपन है ना सारे, इधर साइड से हम लोग यहाँ कर्व ऐसे कर बना लेंगे ताकि यहाँ से हम लोग कट कर सकें। ये राउंड शेप का कर्व कट। अभी इसको ओपन करने से इस तरीके से हो जाएगा। नीचे का जो है ये पार्ट, बटरफ्लाई का क्या होता है, 4 विंग्स होते हैं, तो पहले 2 विंग्स हम लोग बनाएंगे, फिर ऊपर का 2 विंग्स, नीचे का विंग्स बन जाएगा, तिरछा करके बनाएंगे, इसमें सेंटर पॉइंट को मीट नहीं करेंगे, ठीक है। अभी इसको ऐसे उलटने के बाद ये जो रहे ये कॉर्नर, इसको खींच के हम लोग ऐसे यहाँ ले जाएंगे, फिर यहाँ पे लॉक कर देंगे। यानी हमारे गम की कोई जरूरत नहीं है, गम स्टेपलर टेप कोई जरूरत नहीं। फिर इसको ऐसे, तो हमारा बटरफ्लाई बनके तैयार हो गया। ये देखिए, आप इसको कहीं भी सजा सकते हैं। तरीके से किसी भी कलर बटर का बटरफ्लाई बना के